तो आरिफ भाई, आपने जैसा बताया कि हम स्कूल की फीस को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कैसा विरोध करें कि लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ रहा है? तो नवेद बेताब के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ। अब वो क्या मामला है वो तो नवेद बेताब को मालूम है, वहाँ ये फीस को लेकर लोग अपना जाति काम निकाल। मैंने अभी तुमको इससे पहले ही तुम्हारे पूछने से पहले कह दिया कि स्कूल को कहीं ना कहीं शासन भी पूरा सपोर्ट करता है। धार्मिक करते हैं, हरमल करते हैं, बेइज्जत करते हैं बच्चे लोग को और उनके पेरेंट्स को। ये बताइए, प्राइमर स्कूल है जिसमें लड़कियां खाली पढ़ती है, तो वहाँ पे वो बच्चे थोड़ा गरीब तबके ज़्यादा हो रहे स्कूल में, तो हिसाब से हेडमास्टर लोगों ने कहा था कि रैक बनाना है। उसमें स्कूल के टीचर वगैरह ने भी बहुत कॉपरेट किया और हम लोगों ने अभी फिलहाल पहली फर्स्ट टाइम 500 बैग का अरेंज करके उन बच्चों को बांटा है। और स्कूल का मामला ऐसा है कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट रखती है मेरे लिए। मैं जब से जीत के आया हूँ तुम देखोगे खाली मैं स्कूल के लिए ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वार्ड के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन सबसे मेन चीज़ मेरे लिए स्कूल है, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाला गली गटर रोड ये सब बनते रहेगा, लेकिन एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जब से मैं जीत के आया, ये पीछे जो स्कूल है इसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ करी, 1.5-2 करोड़ का फंड लाके हाई स्कूल ये पास करवाया। उसके बाद ये 70 नंबर स्कूल है, इसके हालात बहुत ज़्यादा खस्ता हो गए थे, इसके लिए मैंने 1.9 करोड़ रुपए का फंड पास करवा के इसका रिपेयरिंग का काम चालू है। और एक बार जब ये रिपेयरिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह 20-25-30 साल ये दोनों स्कूल को देखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा ही और काम बचा है, जिसे ब्लॉक लगाना है और थोड़ा बहुत काम है, वो भी इंशाल्लाह जल्द जल्द हो जाएगा। उसके बाद 25-30 साल की फुर्सत हो जाएगी, यहाँ कोई काम बचेगा नहीं। इसके अलावा चलो आज आपने बैग बांटा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक बच्चों को नहीं मिली, जैसे कि अगर आप देख लें तो पानी की कमी, टॉयलेट की खराबी और भी दूसरी चीज़ें, ये सब काम कब मुकम्मल होगा? मैं हर काम के पीछे लगा हुआ हूँ, मैं तुमको वही बताया कि मैं हर काम के पीछे लगा हुआ हूँ, लेकिन हमको तकलीफ आ गई थी। पिछले 2 साल लॉकडाउन में निकल गया, जिसकी वजह से बहुत सा काम पेंडिंग रह गया, हो नहीं पाया। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, 2-4 महीने का मौका मिला, उसके बाद हम लोगों का नगर सेवक का टाइम पिछले अप्रैल में ख़त्म हो गया। अब जो महानगर पालिका है वो नगर पालिका चला रही है, शासन अपने अंदर में रखा हुआ है, तो अब नगर ना महासभा लगती है ना कोई मीटिंग होती है, तो नगर सेवक की कोई डिमांड पूरी हो नहीं रही नगर पालिका में। शासन अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और पूरे शहर के हालात इन लोगों ने ख़राब करके रखे हैं, और जो बीजेपी सरकार है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। एक चीज़ ये कि स्कूल के इतराफ़ का जो एरिया है वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि आसपास के जो लोग हैं कचरा वहीं पर फेंकते हैं, ऐसा क्यों कि स्कूल के बाहर ही कचरा, वो पीछे में कोई इंतज़ाम क्यों नहीं? वो पीछे एक कचरे की कुंडी थी जो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो उसकी वजह से वहाँ लोग कचरा ला के डालने लगे थे, लेकिन अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई और पीछे तुम जाके देखोगे उसका भी काम चालू है, अभी पाइप लाइन उतार रहे हैं और कचरे कुंडी का भी काम हो जाएगा। और जब एक बार कचरे कुंडी का काम हो जाएगा, वहाँ साफ़ सफाई रहेगी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं किसी को कचरा वहाँ डालने नहीं दूंगा, वहाँ का कचरा एकदम बंद हो जाएगा। एक चीज़ ये कि आज का जो भिवंडी का माहौल चल रहा है वो है फीस को लेकर, पीटीए के हिसाब से फीस भरी जाए वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो आपने यहाँ पर बैग बांटे, तो क्या आप किसी बच्चों की फीस भी आप भर रहे हैं या सिर्फ बैग ही बांट रहे हैं? फीस भरना नहीं भरने का मामला वो तो मेरा इंटरनली मामला है, वो मैं लोगों में बता नहीं सकता हूँ भर रहा हूँ कि नहीं भर रहा हूँ, वो तो मेरा और बच्चे लोग का मामला। और रही बात फीस की, तो उसको लेके हम लोगों का विरोध तो चल ही रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, मैंने विजडम स्कूल में भी हम लोगों ने खूब विजडम स्कूल के खिलाफ भी हम लोग नगर पालिका गए थे, पुलिस के पास गए थे, मैडम को कंप्लेंट दी। अभी 4 दिन पहले ही मैडम ने विजडम स्कूल के खिलाफ एक लेटर इशू करी है, लेटर मैं तुमको भेज दूंगा। मैडम ने बाकायदा तौर पर कहा है कि स्कूल में बच्चों को फीस को लेके कोई अगर मैनेजमेंट हरेसमेंट करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बच्चों को फीस के बारे में बोला नहीं जाएगा।
और मेरी तो मैनेजमेंट से ये गुजारिश थी कि आप लोग खाली 2 साल के बच्चे की फीस माफ़ कर दो। मैंने विजन को जो मैनेजमेंट है उनसे मैंने ये भी कहा था कि एक काम करो सर, तुमको लगता है कि 2 साल में तुम्हारा नुकसान हुआ है तो तुम मेरे को तुम्हारा 2 साल का ऑडिट दे दो, अगर तुम्हारे 2 साल के ऑडिट में मेरे को लगेगा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है 2 लाख 5 लाख 10 लाख पूरा मैं तुमको भर के दूंगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तुम मेरे को दे देना। लेकिन वो लोग हिसाब देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि स्कूल में नुकसान नहीं है, 2 साल उनका कोई खर्चा नहीं हुआ, अगर वो चाहे तो 200-500 बच्चों की फीस माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी धांधली है। और धांधली इसके लिए है कि शासन जो बैठा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं उनको ही सपोर्ट करता है। तो आरिफ भाई, आपने ऐसा बताया कि हम स्कूल की फीस को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कैसा विरोध करें कि लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ रहा है? देखा है तो नवेद बेताब के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। अब वो क्या मामला है वो तो नवेद बेताब को मालूम है। मतलब ये फीस को लेकर लोग अपना जाति काम निकाल, मैंने अभी तुमको इससे पहले ही तुम्हारे पूछने से पहले कह दिया कि स्कूल को कहीं ना कहीं शासन भी पूरा सपोर्ट करता है। अगर शासन टाइट हो जावे, पुलिस टाइट हो जावे, नगर पालिका के अधिकारी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये टाइट हो जावे तो मैनेजमेंट की इतनी हिम्मत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये पीटीए और फीस को लेकर सिर्फ विजडम और केमीएस का ही नाम सामने आता है, बाकी मंडी शहर की दूसरी प्राइवेट स्कूलों का नाम सामने नहीं आता है। केमीएस के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन विजडम के बारे में मुझे पता है कि ये लोग फीस को लेकर बहुत ज़्यादा धांधली करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, बेइज्जत करते हैं बच्चे लोग को और उनके पेरेंट्स को। ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल को जो बढ़ावा दे रहे जो सीआरसी लोग हैं, जिसको पूरे भिंडी शहर के जो सीआरसी थे जो स्कूलों को बढ़ावा देते हैं, स्कूलों में क्या होना चाहिए, तो उनको क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वो भी कहीं ना कहीं मैनेज है प्राइवेट स्कूल से जो सीआरसी है। सीआरसी का काम है खाली जाके इंक्वायरी देना, कार्रवाई करने का नाम है जो नगर पालिका में अधिकारी बैठे हैं उनका काम है, इनका काम है खाली रिपोर्टिंग करना। वो लोग रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं करते हैं जाके, लेकिन डिपार्टमेंट स्कूल के खिलाफ नहीं जाता है और डिपार्टमेंट स्कूल के खिलाफ इसलिए नहीं जाता है और उनको मौका दे रहा है स्कूल को कि स्कूल बंद करा देंगे तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कॉरपोरेशन की जो म्यूनसिपल की स्कूल है, अगर उसमें एजुकेशन क्वालिटी वाले मिले तो जो गरीब के बच्चे हैं जो फीस के लिए परेशान होते हैं वो नहीं होगी। तो क्या आप अपने वार्ड में ऐसी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं या मिल रही है? एजुकेशन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तुम 62/70/85 का कहीं भी मालूम कर लो यहाँ एजुकेशन कैसी है। यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था तो जिसकी वजह से मैं स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह काम कम्प्लीट होने आ गया है, और अब जब स्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो एजुकेशन में थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे और उसके पीछे भी लग के एजुकेशन को भी अच्छा करवाएंगे। तो अक्सर लोग यही देखते हैं कि एजुकेशन जो म्यूनसिपल स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती है सही से, इसलिए लोग मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में और उनको फीस का मामला आता है। म्यूनसिपलिटी स्कूल में जो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ पे बेंच वगैरह नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। जहाँ पे सुविधा होएगी वहाँ हर पढ़ाई अच्छी होएगी। तुम बड़ी बड़ी स्कूल जाकर देखो कि कितनी अच्छी अच्छी हाईफाई बने रहती है, वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई अच्छी करने के लिए पहले स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के अंदर जो सामान लगते हैं जो चीज़ लगती है वो चीज़ सब सुधारना पड़ेगा। अरे भाई, ये चीज़ है कि आप बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर है, लेकिन ये है कि बिहार यूपी में लोग ज़मीन पर पढ़ के यूपीएससी और आईएएस बन जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हर जगह की अलग अलग माइंडलिटी रहती है सर, वहाँ के टीचर उतनी क्वालिफाई रहते हैं? नहीं, टीचर तो सब एक यहाँ पर टीचर सब वैसे ही रहते हैं, डीएड करने के बाद वहाँ पे भी टीचर बनते हैं, यहाँ पे भी टीचर बनते हैं। यहाँ पे जो आज आरिफ भाई ने बच्चों को 500 बैग बांटे, बस्ते बांटे, तो उसके बारे में आप भाई? मैं आरिफ खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने वो कदम उठाया है जो बहुत कम लोग उठाते हैं, और ये मैं और लोगों को भी इसको देख के और लोगों को भी ये कहूँगा कि आप लोग भी स्कूल पर ध्यान देवें, क्योंकि सरकारी स्कूल है, ये जनता की स्कूल है, तो इसको ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर आए, इसमें क्या कमी है। जैसे ये ग्राउंड है, अभी ग्राउंड में एक पेड़ तक नहीं है, हमको इसमें पेड़ लगाना है, इसमें हरियाली भी थोड़ा रहना है, बच्चों को खेलने के लिए नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये सब सिर्फ धूल मिट्टी दिखती है, और ये सब का प्रोग्रेस लाना है। मैं आरिफ खान को ये भी कहूँगा कि इसके ऊपर भी ध्यान देवे, इसको भी जल्दी जल्दी करे।